मकर राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर घर बार छोड़ना पड़ेगा। अगर यह 3 गलती करोगे तो जीवन भर पछताते रह जाओगे। जी हाँ दोस्तों, यह 3 चीज भूल कर भी आपको किसी को नहीं देना है। आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर चाहे कोई आपके हाथ पांव क्यों ना जोड़े, चाहे कितना रोए, कितना ही गिड़गिड़ा, लेकिन भूल कर भी ये गलती आप ना करें। सबसे पहले गलती, इस वीडियो को आप मिस ना करें, इसे अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी के जितने भी सच्चे भक्त हैं, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी का नारा 3 बार लिख दीजिएगा। दोस्तों, यकीन मानिए, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर माता रानी के आशीर्वाद से आपके सारे दुख, दर्द, कष्ट, संकट, समस्याएं सब कुछ समाप्त हो जाएंगे। तो जरूर ही प्यारा सा लाइक और कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, मेरे मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करें, आपके हर कार्य में आपका साथ में दोस्त हो। तो अगले 3 दिनों में भूलकर भी यह 1 चीज किसी को मत दे देना। जी हां मित्रों, यह हमारी आपको एक बहुत बड़ी चेतावनी है। यदि आपने इस बात को नहीं माना तो फिर हम आपसे गारंटी के साथ कहते हैं कि आप अपने जीवन में बहुत बड़ी मुसीबत तुमको खुद ही निमंत्रण दे देंगे, पर अपनी बर्बादी के खुद ही जिम्मेदार होंगे। और एक बात हम आपको और बता दें कि जो बातें हम आपको आगे इस ज्योतिष कार्यक्रम में बताने जा रहे हैं, उन बातों को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, मजाक समझने की भूल मत कर लेना, क्योंकि जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं पूर्ण रूप से शास्त्रीय पद्धति और ज्योतिषीय आकलन पर आधारित है। हमने आपकी राशि के ग्रह नक्षत्रों का अच्छी तरह से अध्ययन किया है और गहरे अध्ययन के बाद जो जरूरी बातें, बेहद ही आवश्यक बातें हमें बाहर निकल कर आई हैं, और उन्हीं बातों को हम आपको इस ज्योतिष कार्यक्रम में बताने जा रहे हैं। तो बस पूरे विश्वास के साथ ठंडे दिमाग से एकांत में बैठकर इस ज्योतिष कार्यक्रम को देखें और हर एक बात को समझने का प्रयास करें। मित्रों, यकीन मानो कि हम दिन रात प्रयास करके बहुत मेहनत से आपके लिए सर्वोत्तम जानकारी का भंडार लेकर आते हैं। अब ऐसे में यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस ज्ञान का सम्मान करें और इसे अपने जीवन में उतारें, ताकि आपके जीवन में कुछ नए और आपकी मन के मुताबिक आश्चर्यजनक परिणाम आपको हासिल हो, आपको खुशियां मिले, ईश्वर का आशीर्वाद मिले, धन दौलत संपदा मिले और इन सब के बाद आप अपने जीवन में आनंद को प्राप्त हो, सुख हो गए। तो अब इतनी बातों के बाद हम यह समझते हैं कि आपके मन में निश्चित तौर पर यह प्रश्न तो अवश्य आ रहा होगा कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिसको किसी को देने मात्र से ही आप जीवन में बर्बादी का आगमन हो जाएगा, और दूसरी बात यह है कि इस चीज के पीछे ऐसा कौन सा विधान जुड़ा हुआ है, यानी कि इस जानकारी का स्रोत क्या है, कौन सा ग्रह, कौन सा नक्षत्र, कौन सा ऐसा योग है जो आपको इस चीज के लेन देन से रोक रहा है। तो मित्रों, आप चिंता ना करें, हम आगे ज्योतिष कार्यक्रम में आपको हर एक बात पूरे विस्तार के साथ बताने जा रहे हैं, और जब यह ज्योतिष कार्यक्रम समाप्त होगा तो हम गारंटी देते हैं कि आप निश्चित तौर पर संतुष्ट होंगे, आपके मन को बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको पता चल जाएगा कि आपने अपना समय खराब नहीं किया है, आपको बेहतरीन ज्ञान हासिल हुआ है, अब आप अपने जीवन को बदलने में पूर्ण रूप से सक्षम है। तो चलिए बिना समय गंवाएं आज के सभी हद ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक ज्योतिष कार्यक्रम को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां महालक्ष्मी अवश्य लिखें। माता रानी की कृपा की आवश्यकता तो इस धरती के हर एक जीव को है, फिर क्या आप और क्या हम सभी माता रानी की कृपा के पात्र हैं और उनकी के पास चाहते हैं? तो बस सच्चे भाव के साथ 1 बार नहीं, 3 बार लिखना, जय मां महालक्ष्मी कृपा करो, माता रानी निश्चित तौर पर आपकी करुण पुकार को सुनेंगे और आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। इसी के साथ साथ मित्रों, ने आपको बता दें कि आप लोग अपना नाम और अपना स्थान जहां पर आप रहते हैं दोनों ही कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजते रहे। हम शनिवार के दिन जो सर्व मनोकामना पूर्ति हवन करवाते हैं उसमें पूरे विधि विधान के साथ आपके नाम से आहुतियां करवा दी जाती हैं। इससे होता यह है कि माता रानी की जो कृपा है उसकी दिशा आपकी ओर मुड़ जाती है,
मित्रों मानकर चलिए कि गंगा जी तो अपनी स्वच्छंद धारा में बहती चली जा रही हैं। लेकिन यदि आपको गंगा जल चाहिए तो दो ही रास्ते हैं, या तो आप स्वयं गंगा जी के पास जाइए और जल भरकर ले आइए, स्नान भी कराइए, और दूसरा रास्ता ये है कि गंगा जी कुछ ऐसी विशेष कृपा करें कि वह स्वयं अपनी छोटी सी एक धारा आपकी ओर मोड़ दें और आपके जीवन को धन्य बना दें। तो अब गंगा जी चाहिए अपनी धारा, वरना बूढ़े मित्रों लेकिन मां महालक्ष्मी की कृपा की धारा आपकी ओर अवश्य ही मर जाएगी। ऐसी हमारी आस्था है और परसों की हमारी तपस्या और साधना का विश्वास है। जिन लोगों ने अपने नाम और स्थान लिखकर भेजे हैं और जिनके नाम से आहुतियां हो चुकी हैं, उन लोगों के भी कमेंट बॉक्स में ऐसे कमेंट आते हैं कि उनके जीवन में राहत आनी शुरू हो गई है, उनके जीवन से परेशानियां कटनी शुरू हो चुकी हैं। तो मित्रों उन सभी के जीवन में माता रानी की पूरी कृपा हो, सबका उद्धार हो, बस इसी कामना के साथ इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि इस एक चीज का लेन देन आपको भूल कर भी नहीं करना है। अब मित्रों हम आपको बताएं कि जैसे कि किसी एक चीज के यह किसी एक कार्य के करने से यदि जीवन में बर्बादी आती है और जब देखो का कुछ योग बनता है तो बुद्धि क्षमता भी बदल जाती है, यानी कि आदमी उसी कार्य की ओर आकर्षित होता है जो उसे बर्बादी की राह पर ले जाएगा। इसीलिए शायद हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसा कहा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि इंसान की बुद्धि जब विपरीत होगी तभी तो वह बिना साल में प्रवेश करेगा। तो मानकर चलिए कि आपको किसी चीज के लेन देन के लिए रोका जा रहा है और आपके ग्रहों की चाल यह कह रही है यदि यह चीज आपसे दूर जाएगी तो आपके जीवन में बर्बादी आएगी। तो आप निश्चित तौर पर यकीन मानिए कि फिर ऐसे योग भी बनेंगे जो आपको उस चीज के लेन देन के लिए मजबूर करेंगे। ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होगा कि आपको मजबूरी में उसका लेन देन करना होगा। इसी को कहते हैं और इच्छा की घड़ियां। अब जो इंसान इस विषय कुछ समझता है, इनकी गंभीरता को जानता है, वही तो सब भूल कर चलता है और अपने ऊपर नियंत्रण रखता है, और जो नहीं समझता वह भूल कर जाता है, फिर उसकी मेहनत का उचित फल मिलना बंद हो जाता है और इसी को बुरी समय की शुरुआत भी कह देते हैं। इसी प्रकार आपने कई बार लोगों को सुना होगा कि जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक पता नहीं क्या हो गया कि सारी परिस्थितियां बदल शुरू हो गई, यानी कि काम धंधा व्यापार में भी गिरावट आती चली गई और रिश्ते ना तो मैं भी उधर पुत्र होनी शुरू हो गई। अब यह सब मित्रों ना आपकी आर्थिक स्थिति से ही जुड़ा हुआ होता है। आप यकीन मानिए, चाहे घर का चयन सुकून हो, सुख समृद्धि हो, दुनियादारी के सारे रिश्ते नाते हो, सब कहीं ना कहीं मूल में जाकर आपके अर्थ, आपके धन, आपकी आवक से ही जुड़े हुए हैं। इसी वजह से जो लोग बेरोजगारी का दंश भोग रहे हैं उनसे दुनिया किस प्रकार बर्ताव करती है, किस प्रकार उनका शोषण किया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है, आप अच्छी तरह से यह बात समझते हैं। यानी कि आपके पास यदि माता लक्ष्मी की कृपा है तो आपको सारी दुनिया नमस्कार करती है, आपके आगे पीछे घूमती है, और यदि आप कंगाल हैं, आपके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, तो कोई भी रिश्ता नाता या फिर कोई भी सगा संबंधी आपके लिए खड़ा नहीं होना चाहता है, आपके साथ बात करना भी लोगों को उस समय की बर्बादी लगती है। तो बस मित्रों हम यही चाहते हैं कि आपके जीवन में इस प्रकार का समय कभी भी नहीं आए। हालांकि पहले आपने अपने जीवन काल में कई बार इस प्रकार का समय देखा है जब आप पूरी तरह से कंगाल हो चुके थे, लेकिन अब आपके जीवन में ऐसा समय नहीं आना चाहिए। इसलिए पल प्रतिपल की आपको जानकारी देने का प्रयास करते हैं, हर एक ग्रह नक्षत्र की बदलती चाल के बारे में आपको ध्यान देने की कोशिश करते हैं। अब आपको यह बात समझनी चाहिए मित्रों कि आज जो ग्रह आपके लिए अच्छे फल दे रहा है, हो सकता है कि दो दिन बाद उसी ग्रह का आपके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े और कोई नकारात्मक ग्रह यानी क्रूर ग्रह आपकी राशि में कुछ इस प्रकार से गुर्जर करने लगे कि आपको नकारात्मक परिणाम प्राप्त होने लगे। तो अब हर एक ग्रह का अपना एक विशेष उपाय होता है, विशेष प्रभाव होता है। यदि आप समझते हैं यह परिवर्तन किस प्रकार चल रहा है, गोचर किस प्रकार हो रहा है, तो आप उसी के अनुसार जीवन में छोटे छोटे बदलाव करते जाएंगे, कुछ उपाय करते जाएंगे, तो आपको नकारात्मक क्रूर ग्रहों का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह आपके जीवन बाधाएं बहुत कम आएंगे, जीवन सुचारू रूप से चलता रहेगा। अब ऐसे में कुछ लोग यह कहेंगे कि हम इन सब फालतू की बातों को नहीं मानते हैं,
हम तो केवल अपने आप में रहते हैं और हमें अपने जीवन में पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। मित्रों, यह वही लोग होते हैं जिन्हें ना तो धर्म के बारे में पता है, ना ही ईश्वर के बारे में पता है और ना ही ज्योतिष शास्त्र के बारे में एक शब्द भी पता है कि यदि इन्हें इन सब चीजों के बारे में ज्ञान हो पाए, इनकी महत्व को यह समझें, तो निश्चित तौर पर यह इनका प्रयोग करना भी जाने नहीं। तो आप विचार करके देखिए कि पुराने जमाने के राजा महाराजा अपने पास मंत्री, ज्योतिषाचार्य और प्रकांड विद्वानों को क्यों रखा करते थे, पंडितों को क्यों रखा करते थे? क्योंकि वे अपने जीवन में तरक्की करना चाहते थे, अपनी राजपाट को हमेशा बनाकर रखना चाहते थे। अब ऐसे मिलूं राजा ऋषि मुनियों का सम्मान करना भूल जाते थे, अपने गुरुओं का, ज्योतिष आचार्यों का, पंडितों का अपमान करते थे, वह मिट्टी में मिल जाया करते थे। तो इन सब बातों का दोस्त बहुत अधिक महत्व है। बस आपके मानने से ही सारे परिवर्तन होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप मानेंगे तो आप जानेंगे और अगर जानेंगे तो आप बदलाव के लिए उपाय और प्रयास करना शुरू कर देंगे और यहीं से आपके जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। मित्रों, इन सारी बातों को हम आपसे इसलिए बताते हैं ताकि आपके मन में भूल कर भी, गलती से भी विष का बांस ना हो जाए, या मित्रों न विश्व का बांस यही मन में हो गया तो बहन का भूत दिमाग पर चढ़ जाता है। फिर इंसान को हर जगह कि वह लड़की बल गलतियां, त्रुटियां, नकारात्मकता है दिखाई देती रहती है। इसलिए विश्वास करिए, इस सारी जो आसपास हमारी व्यवस्थाएं बनाई गई हमारे कुर की पूर्वजों के द्वारा भी हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए हैं। अब आप मित्रों ध्यान से समझी, जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं वे बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। मित्रों, आप अपने जीवन में सामाजिक वातावरण में रहते हैं और लेन देन करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, बिना दिन के काम चलता भी नहीं है। लेकिन मित्रों, इस प्रक्रिया का अनुसरण करते करते हम यह भूल जाते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका लेन देन गलती से भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में इनके लेन देन को बाधित माना गया है, यानी कि मना किया गया है। तो कुछ चीजें हैं जिनके बारे में आज हम अभी आपको बताने जा रहे हैं, उसके बाद उस मुख्य चीज का जिसका एक विशेष ग्रह गोचर से संबंध है उसके बारे में आपको बताएंगे। अब ज्ञान संपूर्ण हो तो जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है। आधे अधूरे ज्ञान से जीवन में बदलाव लाने के बारे में सोचना बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिना पतवार वाली नाव के सफर करने के बारे में सोचना। तो मित्रों सुनिए ध्यान से, सबसे पहली चीज की, आपको नमक किसी को भी नहीं देना है या नहीं? बाहर के इंसान को नमक नहीं देना है। यदि कोई बाहर का इंसान आपसे यह कहता है कि थोड़ा नमक दे दीजिए, हमारे घर में खत्म हो गया है, तो आप उसे किसी भी प्रकार से डाल दीजिए, लेकिन नमक कल दिन दिन मत करिए। अब ऐसा क्यों? मित्रों, नमक के अंदर दो खूबियां होती हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि नमक को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए नमक को कभी जमीन पर गिरने नहीं दिया जाता है। जमीन पर नमक का गिरना अपशकुन माना जाता है। दूसरा था कि नमक के अंदर एक विशेष खूबी पाई जाती है, यह नकारात्मक शक्तियों को सोख लेता है। अब आप समझिए, तभी आपको बार बार यह बताया जाता है कि जिस पानी में आप स्नान कर रही हैं उस पानी में थोड़ा सा नमक डाल लीजिए, जिस पानी से आपको अच्छा लग जाते हैं उस पहुंचे में थोड़ा सा नमक मिलवा लीजिए। अब इन बातों को इसलिए बताया जाता है कि नमक नकारात्मक शक्ति को सोख लेता है। तो अब यदि आप नमक का किसी को लेन देन कर देंगे, यानी किसी को आप नमक दे देंगे, तो आपने दो गलतियां कर दी। पहली गलती तो यह है कि आपने अपने घर की लक्ष्मी स्वयं ही बाहर निकाल दी, और दूसरी कि आपने ऊर्जा के विधान को नहीं समझा और गांव के संचालन को नहीं समझा, और अपने घर के नमक को बाहर निकालकर आपने नकारात्मक ऊर्जा को अपने घर में आने का रास्ता दे दिया। मित्रों, इसका लेन देन आपको नहीं करना है। दूसरा, मित्रों, अपने घर की झाड़ू आपको किसी को नहीं देना है। कोई आपसे कितना ही मांगे कि हमें झाड़ू दे दो, आपको नहीं देना है। दूसरा, झाड़ू के बारे में एक नियम यह है कि आपके घर के अंदर की झाड़ू कभी भी बाहर नहीं लगानी चाहिए, यानी कि एक ही झाड़ू से आप घर के दरवाजे पर और घर के अंदर अगर झाड़ू लगाते हैं तो यह गलत है। आपको अपने घर के लिए एक अलग झाड़ू रखनी है और दरवाजे पर दूसरी झाड़ू रखनी है। दरवाजे पर झाड़ू लगाने के लिए
यदि आप इस बात का ख्याल नहीं करती हैं तो आपके ऊपर वास्तु दोष उत्पन्न होता है और दरिद्रता आपके घर में प्रवेश करती है। तीसरा, मित्रों, अपने जूते, चप्पल और अपने कपड़े कभी भी किसी को नहीं देनी चाहिए। आपका कोई मित्र है, दोस्त है, भाई है, चाहे कोई भी हो, आपका संगीत सगा रिश्तेदार ही क्यों ना हो, उसे कभी भी अपने कपड़े और अपने जूते चप्पल पहनने के लिए नहीं देने चाहिए। ऐसा क्यों मित्रों? जूते, चप्पल और वस्त्रों में अलग अलग ग्रहों का बांस बताया जाता है, जैसे कि जूते चप्पल में और शरीर के निचले भाग के वस्त्र में शनि का वास माना जाता है। सभी के ऊपर के वस्त्रों में शुक्र का वास माना जाता है। गले में पहनने वाली चीजों में बुध का वास माना जाता है। तो इस प्रकार यदि आप अपनी चीजों का लेन देन करते हैं तो आप अपने समय को खराब करते हैं, अपने ग्रहों की व्यवस्था को खराब कर देते हैं। तो आपको न केवल अपनी यह चीजें किसी को देनी है, ना ही किसी से लेनी है। घड़ी के बारे में भी आपको इसी बात का ख्याल रखना होगा। अपनी घड़ी आपको किसी को भी पहनने के लिए नहीं देनी है और किसी और की घड़ी भी आप हो बनने के लिए नहीं लेनी है। घड़ी, जूते, चप्पल और कपड़े में विशेष ऊर्जाओं का वास होता है, जो कि यह इंसान के शरीर के सबसे नजदीक होती हैं और इंसान की खुद की आत्मिक ऊर्जा इसमें समाहित हो जाती है। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि जब कोई इंसान मृत हो जाता है तो उसके अंतिम संस्कार के बाद उसके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कपड़े और चीजें उस घर में नहीं रखी जाती हैं, उनका भी विसर्जन कर दिया जाता है, ताकि उस इंसान की ऊर्जा जो उन्हें चीज और वस्तुओं में समाहित है उसका भी विसर्जन हो जाए। इसी प्रकार मित्रों, आपको शाम के समय ख्याल रखना है, सफेद रंग की कोई भी वस्तु किसी को नहीं देनी है, जैसे दूध, दही, शक्कर या फिर कोई सफेद रंग का वस्त्र किसी को नहीं देना है। कोई मांगने आए तब भी उसे नहीं देना है, क्योंकि यह समय शुक्र को समर्पित होता है और सफेद रंग की चीजों का संबंध शुक्र से माना जाता है। यदि आप इन चीजों का इस समय पर लेन देन कर दे दी किसी को दे देते हैं तो आपको शुक्र के दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। आपके घर में कलेश हो जाता है, आपका दांपत्य जीवन भंग हो जाता है और आपकी जीवन में जो शांति और सुकून कायम थी वह गायब हो जाती है। आपको मानसिक पीड़ा और यात्राएं मिलनी शुरू हो जाती हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि आपके जीवन में जो आनंद प्राप्ति हो रहा था, सुख मिल रहा था, वह हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार मित्रों, आपको शाम के समय भूल कर भी किसी को पैसे नहीं देने हैं। यह मित्रों का शाम का समय बेहद ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि शाम के समय में कई अच्छी योग बनते हैं जो आपको लाभ पहुंचाने के लिए बनते हैं, जैसे सर्वार्थ सिद्धि योग बनता है, प्रदोष काल होता है, गोधूलि समय काल कहा जाता है। अब ऐसे समय में आप अपनी धन लक्ष्मी को किसी को देंगे, भले ही फिर चाहे अपना काम करवाने के लिए आप दे रहे हैं, लेकिन लक्ष्मी तो आपके घर से जा ही रही है, तो इसका आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आपके घर में लक्ष्मी का वास अमृत होता है, पैसे रुपए की आवक अवरुद्ध होती है। जी हां मित्रों, इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए। तो यह तो थी दैनिक उपयोग की चीजें जिनको आपको इस समय लंदन करना है और किस समय नहीं करना है। इस विषय पर हमने आपको सारी जानकारी विस्तार से बता दी है। अब ध्यान से सुनिए कि अगले 3 दिनों में आप हो कौन सी एक चीज है जिसका लेन देन नहीं करना है। दोस्त, आपको हम बता दें कि अगले 3 दिनों में शनि के साथ राहु का एक विशेष गोचर हो रहा है। ऐसे में आपको काली रंग की किसी भी वस्तु का किसी के साथ लेन देन नहीं करना है। ना तो आपको गांधी रंग की अपनी कोई वस्तु किसी को देनी है और ना ही किसी से इस काले रंग की वस्तु लेनी है, चाहे अब यह कहने की कोई वस्तु है, इस्तेमाल की कोई वस्तु है या फिर खाने पीने की कोई सामग्री है। अब आप यकीन मानिए मित्रों कि अगले 3 दिनों में ऐसी कई परिस्थितियों का निर्माण होगा जिसमें कि काली रंग की कोई वस्तु कोई आपसे मांगेगा। अवश्य ही अब आप जब उस वस्तु का लेन देन करने चले तो निश्चित तौर पर अपने दिमाग में यह विचार लेकर अवश्य आए कि यह काले रंग की वस्तु है या नहीं है। मानकर चलिए कि आपके पास काले रंग की जूते हैं और कोई मांग रहा है कि अपने जूते दे दो। 1-2 दिन के लिए या कुछ समय के लिए तो देखना कि वे जूते काले रंग की तो नहीं है, पर हम गारंटी के साथ कहते हैं कि निश्चित तौर पर काले रंग के ही होंगे। क्योंकि मित्रों, जब बुरा समय को होता है तो परिस्थितियां ही कुछ इस प्रकार की बनने लगती हैं कि आपको उसी कार्य को करने के लिए बाध्य किया जाता है। तभी तो आपका बुरा समय आएगा। तो निश्चित तौर पर अगले 3 दिनों में काली रंग की किसी वस्तु के लेन देन की परिस्थितियां बनेंगी।
आपको संभल कर रहना है, लेन देन करते समय सावधानी बरतनी है। ऐसे में यदि कोई मानता है तो आप क्या करें? आप पहला कार्य कर सकते हैं कि अपनी बौद्धिक बल का प्रयोग करें और किसी भी प्रकार से इस बात को टाल दें, अन्यथा आपके रिश्ते नाते भी प्रभावित हो सकती हैं। अब किसी विशेष बहुत काल को टालने के लिए आप किसी के साथ अपने रिश्ते तो खराब कर नहीं देंगे, क्योंकि मांगने वाले को नहीं पता कि आपकी राशि में इस प्रकार की ग्रहों का गोचर हो रहा है। वह तो एक सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया का पालन कर रहा है, उसकी जरूरत है इसलिए वह मांग रहा है। तो आपको या तो किसी बात को कहकर उसे टाल देना है, या फिर कोई ऐसा बहाना बनाना है जो कि वास्तविक लगे और सच्चाई के, यानी कि कोई झूठ मूठ बात नहीं बोली है जिससे कि आपको पछताना पड़े और आपका रिश्ता भी खराब हो जाए। ये बात हम आपसे इसीलिए कह रहे हैं कि योग तो जीवन में बनते बिगड़ते रहते हैं, और इनके चक्कर में आप किस किस से अपने रिश्ते खराब करेंगे। वैसे भी हम आपको बता दें कि आपकी राशि के जातक रिश्ते नातों के मामले में थोड़े से कम भाग्यशाली होते हैं, यानी कि इन्हें इतना अधिक प्रेम और विश्वास दूसरों से मिल नहीं पाता है। अब ऐसे में यदि आप खुद ही अपने रिश्तों को बर्बाद करने लगेंगे तो फिर आपके पास कोई भी नहीं रह जाएगा, आप अकेले ही खड़ी दिखाई देंगे। तो अब यह तो थी बात कि आपको काले रंग की वस्तु का दिन किसी को नहीं करना या नहीं देनी किसी को नहीं है। अब हम बात करते हैं उस विषय की जो आपके लिए बेहद आवश्यक है, यानी कि आप इस विषय ज्योति का लाभ कैसे ले पाएंगे। यह बेहद आवश्यक है क्योंकि मित्रों, शनि बेशक इस पूरे वर्ष आपके ऊपर हावी रहेंगे, शनि को ही समर्पित है यह पूरा वर्ष, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इस वर्ष आपकी बर्बादी हो। मित्रों, शनि का मतलब बिल्कुल भी यह नहीं है कि आपकी बर्बादी का यह समय है। शनि तो आपको बहुत अधिक दे भी सकते हैं। शनि एक बेहद ही पवित्र और न्यायप्रिय ग्रह, तो आप यह न माने कि शनि है तो बस नुकसान ही होगा, शनि है तो लाभ भी होगा। बस आप कैसे लाभ हासिल करना है यह पता होना चाहिए। अब इसमें भी यदि राहु आ जाता है, उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। तो अब आप ध्यान से समझिए, एक ऐसा गुप्त और बहुत ही शक्तिशाली उपाय आपको बताने जा रहे हैं जिसे आपको प्रयोग अवश्य करना चाहिए। कम से कम अगले 7 दिनों तक आपको इसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इस उपाय के प्रयोग से होगा यह इस शनि जो कि आपको कहीं ना कहीं हानि पहुंचाने का वातावरण तैयार कर रहे हैं, आपके लिए सकारात्मक हो जाएंगे। और एक बार जब शनि सकारात्मक हो गए तो राहुल को निश्चित तौर पर आपको लाभ देना ही होगा। तो हम गारंटी देते हैं कि आपने यदि इस उपाय को करना प्रारंभ किया आज अभी इसी वक्त से जवाब इस ज्योतिष कार्यक्रम को सुन रही है, तो आप देखेंगे कि अगले 3 दिनों में आपको आकस्मिक धन लाभ होगा, आकस्मिक मान सम्मान में लाभ हासिल होगा, इन मान सम्मान बढ़ेगा, कहीं ना कहीं से आपको आकस्मिक एक ऐसी खबर अवश्य ही प्राप्त होगी जिससे कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि आपका जीवन सफल हो गया, जीवन में आनंद प्राप्ति शुरू हो गई है। जी हां मित्रों, तो अब ध्यान से सुनिए, यह उपाय बहुत ही कारगर है। तो आपको क्या करना है कि एक काले रंग की कपड़े की पोटली लेनी है। यह मित्रों आज से ही आप इस उपाय को करना शुरू करिए मित्रों, अन्यथा कल से तो आप निश्चित तौर पर करना और आप देखेंगे कि चमत्कार होंगे। तो ध्यान से सुने, आपको काले रंग की कपड़े की पोटली लेनी है, कपड़ा गोरा होना चाहिए मित्रों, और उस पर जो लपेट आएंगे आप वह धागा भी काला होना चाहिए। अब उस कपड़े की पोटली में आपको क्या रखना है ध्यान से सुनिए, उस कपड़े में आपको काली उड़द की दाल जो मित्रों 8 मुट्ठी गिनकर भरनी है, 8 मुट्ठी काली उड़द की दाल रखनी है, और एक लोहे का कड़ा यानी कि छल्ला आपको उसमें रखना है और उसे आप लपेटने एक पोटली का रूप देते हैं। अब आप दिखे कि आपके आसपास शनिदेव का कोई मंदिर है या नहीं, यदि मंदिर है तो उस मंदिर में आपको उसे दान दे आना है। ऐसा आपको 7 दिन तक लगातार करना है, यानी जब से आप इसे प्रारंभ करेंगे तब से लगातार 7 दिनों तक यह उपाय आपको करना है, और यह उपाय आपको शाम के समय करना होगा यानी सूर्यास्त के बाद। अब ऐसे में कुछ लोग ये कहेंगे कि हमारे आसपास शनिदेव का कोई मंदिर ही नहीं है, तो इन लोगों के लिए हमारा कहना यह है कि आप यह दाल हनुमान जी के मंदिर में भी दे सकते हैं,